कुर्सी की पेटी बांधने के लिए दोनों सिरों को सामने लाके जोड़े। वाह, लवली। हवा का दबाव कम होने पर ये मास्क अपने आप नीचे आ जाएगा। बार बार बेल बजा के एयर होस्टेस को परेशान ना करें। आपके घर में भी मां बहने हैं। सुपर। आइए सर प्लीज। अच्छा, आपने कभी देखा कभी किसी को गाने का शौक है ना, सिंगर को, तो वो कहीं पे भी गाने लग जाते हैं, उनको परवाह नहीं होती। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि डांस कोई अच्छा सा स्टेप मन में आ गया, कहीं पे कोई गाना चल रहा है और वहीं पे आपने वो रिहर्स करके देख लिया हो? ऐसा बहुत बार होता है, मैंने बहुत सारे कोरियोग्राफर्स को देखा है। मैं एक कहावत है हमारे इसमें, मैं भी लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी कदों के और डांसर्स के पीछे कभी मत खड़े रहना, क्योंकि कभी भी लात लग जाती है। तो ये देखा भी है हमने। और मतलब मैंने खुद ने भी किया, जब मैं भी डांस करता था तो बहुत ऐसा कि कहीं पे भी म्यूजिक लगता था हम लोग चालू हो जाते, तो देखते नहीं थे कि कोई पीछे खड़ा है आगे खड़ा हो, हम लोग घूम जाते थे, किसी को भी लग जाता था। तो ऐसे देखा भी है, किया भी है। और जब बहुत ज्यादा रिहर्सल करते थे हम लोग, तो जब सोते थे रात को तो पैर चलते थे हमारे। Really? Yeah, yeah, yeah. Oh. I used to hit my feet on the ground. तो जैसे मैं आता था सोने के लिए, तो पहले तो जिनके साथ रहता था वो 8-10 लोग एक साथ रहते थे, धीरे धीरे वो सब दूर होने लगे। तो बोले ये रिहर्सल करके आया, बहुत पसीने आया, एक काम करो सब हट जाओ। तो वो सब लोग दूर हो जाते थे, तो मुझे छोड़ देते थे। देन उन्होंने काफी टाइम बताया कि तू नींद में ना लाते मारता है। क्यूट। वो पर ऐसे ही इस मुकाम तक नहीं पहुंचे, बहुत बहुत खून पसीना लगता है भाई। अच्छा, रेमो सर को ना नए नए शूज खरीदने का बड़ा शौक है ना। रेमो सर जब भी आते हैं बड़े क्लासिक, मतलब बड़े कमाल के शूज पहने जाते हैं। और हमारे यहाँ पे रणवीर सिंह आए थे, उन्होंने अपना अजीब ही शौक बताया, बोलते मुझे अंडरवेयर खरीदने का बड़ा शौक है। चलो इनके जूते तो कोई देख रहा है ना, वो तो हम देख भी नहीं रहे हैं ना, वो तो आपका पर्सनल शौक है। मैं अपने यहाँ पे जितने दर्शक बैठे उनसे जाना चाहता हूँ, आपके कोई ऐसे अजीबोगरीब शौक है? जी भाई साहब। ओहो, वाह, टी शर्ट अंदर डालिए बेल्ट पहन के। कपिल सर प्रणाम। जी नमस्ते जी, क्या हाल है सर? प्रणाम सर, बढ़िया हूँ सर, एकदम चंगा हूँ सर। मेरा नाम विवेक सिंह छत्री है। विवेक सिंह छत्री। छत्री, हाँ। मैं यूपी और आजमगढ़ का रहने वाला हूँ सर। जी 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 सर, मेरा अजीबो गरीब सर जी कला है कि मैं कविताएं तुरंत तुरंत बना देता हूँ। अच्छा जी सर, बनाओ फिर ये इस पे बनाओ तरबूज पे। अरे सर, आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, आप सर सोफा और टेबल की सर बनवा रहे हैं। आपने खुद ही तो कहा मैं किस पे बना लेता हूं। मतलब कि जैसे कि मुझे रेमो सर बनाना हो, ये तो बना के आयो पहले से। ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा चलो, किसी के भी कविता बना, अर्चना जी पर बना दो। मेरी अर्चना मैम जी इतनी खूबसूरत लग रही है, आज आपके आगे है चांदनी रात भी लग रही है, बेकार न जाने भगवान ने किस घड़ी में किया है आपका दीदार, काले कपड़े में माँ कसम लग रही है सूर्या राय। मेरा एक सवाल है, इसमें कितनी लाइनें थी टोटल? अरे सर, ये एक ही लाइन, क्योंकि फुल स्टॉप आपने एक ही बार डाला, उसके बाद बीच में कहीं रुके नहीं आप। आजमगढ़ से निकले तो सीधा ही फिल्म सिटी जाके रुके आप। तो आप मुंबई में रहते हो अभी आप? हाँ मुंबई में रहता हूँ, माहिम में सर। तो हर 30 सेकंड बाद खारिज क्यों करते हो? आपने 14 जगह खुजाया, मैंने नोटिस किया, यहाँ से शुरू हुए आप। तो मैं एक्चुअली मैं बैठा था तो मेरा अंडरवियर नीचे फंस गया उस दिन। मुझे पता नहीं ये रिवाज शुरू किसने किया, देखना तो किसी को है। अरे यार, आप बड़े प्यारे आदमी हो यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप भी तो बहुत प्यारे इंसान से, इतने सुंदर लग रहे हैं सर। अरे आपकी शुक्रिया। रेमो सर के ऊपर बोल दूं सर? बोल दो, बताओ। मेरे प्यारे प्यारे रेमो सर, मेरे न्यारे न्यारे रेमो सर, इतनी प्यारी है आपकी मुस्कान, जब हंसते हो आप तो हंस पड़ता है पूरा हिंदुस्तान। आप आए आई बहार, आप आए आई बहार, हंस पड़ी दबी हुई ये सारी मुस्कान, जैसे जैसे बढ़ती है वो सूरज की लाली, वैसे बढ़ती है आपकी ये प्यारी प्यारी काली काली दाढ़ी।
एक तरफ है डायरेक्टर तो एक तरफ कोरियोग्राफर, इतने बड़े हैं डांसर आप, विवेक सिंह छत्रिया करता है आपको सलाम। वाह, अरे मैं ना फॉर्मूला पकड़ लिया इसका, ये ना कविता कैसे बनाता है, जैसे कोई भी बातें करता है ये बेसिकली, अरे हम 8 बजे वहां से निकले तो ये लगातार बोलता रहता है, बीच में अब सुनील छतरी डाल देता है और जो सामने वाला रहता है उसका नाम डाल देता है। आपको अच्छा नहीं लगा सर? अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत अभी आपकी मैं पुलिस कंप्लेंट लिखवाऊंगा। थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त? जी पंडित जी। आदेश पंडित जी। कपिल सर राधे राधे। राधे राधे जी, कहाँ से आए आप? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी। मैं अलग से एक योगा करता हूँ जो दुनिया से हटके है। अच्छा जी, तो उस योगा से दुनिया से अलग कैसे है सर, मतलब योगा? अब मैं वहां के करके दिखाऊंगा ना आप। हाँ बिल्कुल आइए प्लीज। इसका नाम मैंने ब्रह्मास्त्र योग रखा। अच्छा जी। ये हर बीमारी का इलाज कर सकता है, जैसे ब्रह्मास्त्र अस्त्र होता है ना महाभारत में। हाँ जी हाँ जी। पूरी सृष्टि का नाश कर सकता है। हाँ ऐसे ये पूरी शरीर की बीमारी का नाश कर सकता है। अच्छा जी जी। आज नहीं करना। अरे वाह, क्या बात है, मुझे चार चार मुंह दिख रहे थे। हाँ। इस तरफ भी आगे भी है ना, यार दिख ही नहीं रहा था इनका चेहरा। पर सर ये मतलब जितनी जोर से आप झटकते हैं तो गर्दन पे अगर कुछ हो जाए तो? मैंने 5 साल हो गए करते हुए। अच्छा जी। आज से नहीं कर रहा। किसी योगा एक्सपर्ट से आपने सलाह ली? किसी मैं कहता हूँ मेरे ठाकुर जी, जो मैं करता हूँ मेरे ठाकुर जी मुझे देते हैं। अच्छा जी। उनकी तरफ से सारा मुझे मिलता है। आपको इससे फर्क पड़ा? बहुत फर्क है, मैं तो 90 किलो मेरा पेट इतना नहीं, पर ऐसे ऐसे करने से बदला हो जाता है। और भी है, और भी तीन तीन योग करने से मतलब कि हर चीज, जो गोड़ों का दर्द और रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी रही, कभी आप झुक के नहीं चलोगे। अच्छा जी। हाँ चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शो में आने के लिए, शुक्रिया। ये ले जाइए, उनको दे दीजिए। लेकिन ये घर पे किसी को करना नहीं चाहिए बिना किसी मेडिकल एडवाइस के, पता लगे लोग ऐसे हो गए सब। हाँ। डांस हो गए। और भी कोई मिले और सर क्या हाल है? ऐसे करना मुश्किल है, ऐसे करना मत, मतलब आप अपना देख लेना भाई। हाँ। ये हमारी कोई गारंटी है नहीं। हाँ। जी और कोई हमारे दोस्त? जी हाय कपिल सर। हेलो। मैं सेल्फ सुनील सावरिया फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार। अच्छा। ओह वाओ, आई मीन इंग्लिश सर। मैं रिमोट डिसोजा सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी। और वैसे सबको पता है कि रिमोट डिसोजा सर माइकल जैक्सन के बहुत बड़ा फैन है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बिहार वासी। क्यों चाहते हो? अच्छा क्या चाहते हैं आप सुनील जी? कि मैं अपने बिहार वासियों और यूपी के भाई लोगों के लिए स्पेशल और पूरे देशवासियों के लिए एक मस्त भोजपुरी सॉन्ग पर माइकल जैक्सन के डांस में सर 4 स्टेप अगर कर दो तो मुझे बहुत खुशी होगी सर। 4 स्टेप कर दो सर। आपको आता है डांस? आप भी आ जाओ। तो आपने तो कहा था रेमो सर का देखना है, इधर आके तुम्हारा अपना निकल रहा है। मेरे जिसने बोला 4 स्टेप, ये 40 दिखा के गया। ये जो आप डांस करते हो उधर कोई रोकता नहीं आपको? सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। अच्छा जी। मोटी सोचा सर। अच्छा जी ठीक है, आइए चलो। 4 हो गए, 1 एक्स्ट्रा हो गया। हाँ। उसके पैसे से आप। थैंक यू सावरिया साहब, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस बेटा। हेलो कपिल सर। हेलो। मेरा नाम परीसी आशीष चौहान है। जी परी बोलिए। मैं मुंबई से आई हूँ। अच्छा जी। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कराटे वर्ल्ड कप टोक्यो में जाने वाली हूँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन बेटा। क्या एज है आपकी? मेरी एज 9 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, तो आप इंडिया की तरफ से खेलने जा रहे हो? हाँ। वाह, सो प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट बेटा। और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। और अच्छा? मैं आपकी बेस्ट विशेस लेने के लिए आई हूँ। सो स्वीट, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।
God bless you. हमारा नाम रोशन करके आओ इंडिया का. अच्छे अच्छे से खेल के आओ, ठीक है? Thank you. God bless you, बेटा.